हाय गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम टेस्ट पेपर 17 से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। गिवन है इसमें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स मेजर 10 सेंटीमीटर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़, ओके फ्रेंड्स, एक रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इट्स डायगोनल गिवन है 10 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। देन हमें ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। 4 ऑप्शन गिवन है। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सबसे पहले इस तरह से हमने एक फिगर बना लिया है, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे लेंथ जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो एक डायगोनल हमने ले लिया है ए सी, जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ बी सी फाइंड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि सारे एंगल्स जो हैं रेक्टेंगल के 90 डिग्री के होते हैं, ओके। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मींस ये एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मींस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने इसे लिख लिया है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, बी सी हमें फाइंड करना है, ओके फ्रेंड्स। वैल्यूज हमने पुट कर दी, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए बी का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, बी सी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। हैंस बी सी हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 36 या तो 6 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। मीन्स ब्रेथ क्या हो जाएगी यहाँ पे रेक्टेंगल की, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर, ओके फ्रेंड्स। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आपके कोई भी डाउट्स हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।